दस मरला ओपन एफिडेविट जिसका करंट आज का रेट तकरीबन 29-29.5 लाख रुपए, एक अनाज जनरल कैटेगरी का जो रेजिडेंशियल एलोकेशन है वो तकरीबन 40 लाख रुपए में, और जो ओपन एफिडेविट है वो तकरीबन 42 लाख रुपए। अगर आप कैटेगरी प्लॉट लेना चाहते हैं तो 50 से 55 की ब्रैकेट में एच और जे के अंदर आपको एक अच्छा प्लॉट अवेलेबल हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद सलमान सिद्दीकी पाकिस्तान प्रॉपर्टी से, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान प्रॉपर्टी के नाम से। उम्मीद करता हूं मेरे देखने वाले चाहने वाले सब खैरियत से होंगे। आज का मेरा मुकम्मल वीलॉग है DHA भावलपुर के हवाले से। करंट पोजिशन ये है भावलपुर के हवाले से कि मार्केट में थोड़ी सी तेजी देखी गई रेट्स से, खसूस जो DHA भावलपुर की फाइल्स हैं कैश मेड वाली, उसके ऊपर थोड़े से रेट बेहतर देखे गए। कनाल की जनरल कैटेगरी, उसके बाद फिर जी ब्लॉक की फाइल, खसूस जो 10 मरला का ओपन एफिडेविट है, इसमें हमने काफ़ी बेहतरी देखी। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम DHA भावलपुर में फाइल्स के रेट्स। 10 मरला ओपन एफिडेविट जिसका करंट आज का रेट तकरीबन 29-29.5 लाख रुपए, एक अनाज जनरल कैटेगरी का जो रेजिडेंशियल एलोकेशन है वो तकरीबन 40 लाख रुपए में, और जो ओपन एफिडेविट है वो तकरीबन 42 लाख रुपए का मार्केट में डिमांड किया जा रहा है। जी ब्लॉक की जो एक अनाज की रेजिडेंशियल फाइल है उसका रेट तकरीबन जो आप कह सकते हैं मार्केट में 43-44 लाख रुपये मार्केट में डिमांड किया जा रहा है। इसके अलावा कमर्शियल की बात करें, लास्ट हमने देखा कि कमर्शियल का जो रेट था तकरीबन 90 लाख रुपए था, लेकिन करंट पोजीशन में मार्केट में डिमांड की जा रही है तकरीबन 93 लाख रुपए का ओपन एफिडेविट मेन बुलेवार्ड 4 मरला कमर्शियल जी ब्लॉक का। तो बस ये थी फाइल्स के रेट्स। लास्ट वीक में तकरीबन हमने देखा कि जो कनाल की फाइल थी 36-37 लाख रुपए में ट्रेड हुई, उसके बाद करंट जो पोजीशन आई वो तकरीबन 40 लाख रुपए की एलोकेशन की आ गई, एफिडेविट 38-39 लाख रुपए का था और तकरीबन 42 लाख रुपए का करंट पोजीशन में है। जी ब्लॉक 40-41 लाख रुपए का था जो बढ़कर तकरीबन 43-44 लाख रुपए हो गया। अब हम बात करते हैं प्लॉट्स के हवाले से। प्लॉट्स की मार्केट में हमने देखा कि मुसलसल बायर अवेलेबल है एक कनाल के प्लॉट्स के हवाले से, चाहे वो घर बनाना हो या एज ए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो, फौरी तौर पे आपके प्लॉट का बायर जो है वो लग जाता है। लेकिन प्राइजेस की बात करें तो जो मार्केट वैल्यू है वो तकरीबन मार्केट अभी स्टेबल है, थोड़ा सा ना झुकाव देखा गया ना थोड़ी सी तेजी दिखी गई, लेकिन रेट स्टेबल है, मार्केट में बायर है। कनाल के प्लॉट्स के हवाले से बात करते हैं। एन ब्लॉक के अंदर आपको आसानी 55-65 लाख रुपए में एक अच्छा प्लॉट मिल जाता है। ए और बी के अंदर पोजेशन प्लॉट्स हैं, तकरीबन आपको 50 लाख रुपए से रेट शुरू होता है और तकरीबन 60-65 लाख रुपए का कॉस्ट ऑफ लैंड के ऊपर एक अच्छा प्लॉट आपको अवेलेबल हो जाता है, जहाँ पे पोजेशन है और आप फौरी तौर पर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा जी ब्लॉक थोड़ा सा डाउन जा रहा है, 40-45 लाख रुपए में आपको प्लॉट अवेलेबल हो जाता है कॉस्ट ऑफ लैंड के ऊपर, जहाँ पे डेवलपमेंट चार्जेस स्टार्ट हो गए हैं। 27 लाख रुपए जो है वो DHA भावलपुर की मैनेजमेंट की तरफ से लगाए गए हैं, जो आपने 3 साल के साथ में देने हैं। एच और जे के अंदर अभी डेवलपमेंट जस्ट स्टार्ट ही हुई है, लेकिन डेवलपमेंट चार्जेस अभी नहीं लगाए गए। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों ब्लॉक्स अभी काफी बेहतर है। 45-50 लाख रुपए की ब्रैकेट के अंदर आपको एक अच्छा प्लॉट यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। अगर आप कैटेगरी प्लॉट लेना चाहते हैं तो 50-55 की ब्रैकेट में एच और जे के अंदर आपको एक अच्छा प्लॉट अवेलेबल हो जाता है। 10 मरला कैटेगरी की बात करें तो सी ब्लॉक में पोजेशन है आपको 30 लाख रुपए से लेकर और तकरीबन आप कह सकते हैं 40-42 लाख रुपए तक कॉस्ट ऑफ लैंड के ऊपर एक अच्छा प्लॉट अवेलेबल हो जाता है। 13 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस तकरीबन पूरे हो गए हैं जो आपको अलग से पे करने पड़ेंगे। इसलिए डी की बात करें, पोजेशन मिलने वाला है, ऑलमोस्ट 95% डेवलपमेंट कम्प्लीट हो गई है। सेम रेट है सी और डी का, तकरीबन 30-40 की ब्रैकेट में आपको एक अच्छा प्लॉट अवेलेबल यहाँ पे हो जाता है। एफ ब्लॉक सबसे अभी जो है एज ए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू सबसे अच्छा देखा जाता है 10 मरला के लिहाज से, तकरीबन आप कह सकते हैं कोई 35-40 की ब्रैकेट में एफ ब्लॉक के अंदर आपको एक अच्छा प्लॉट अवेलेबल हो जाता है, और तकरीबन आप कह रहे हैं 5-6 किस्तें डेवलपमेंट चार्जेस की आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। इसके बाद ई ब्लॉक के 10 मरला की बात करते हैं, रेट डाउन ही है, 27-28 लाख रुपए से लेकर और तकरीबन 35 लाख रुपए तक, बल्कि 35 भी मैं थोड़ा ज्यादा कह रहा हूँ, 33-34 लाख रुपए में आपको एक अच्छा प्लॉट अवेलेबल हो जाता है कॉस्ट ऑफ लैंड के ऊपर। 17 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस ऐड किए गए हैं सोसाइटी की तरफ से, जो जिसी जो तकरीबन ड्यू हो गई है, जिसकी एक किस्त तकरीबन ड्यू हो गई हुई है और लोगों काफी तक लोगों ने पे भी कर दी गई है। ओवरऑल अगर मार्केट का ज्यादा लिया जाए तो जो 10 मरला एफिडेविट है
उसकी मार्केट में काफी डिमांड देखी गई है और काफी इसका रेट बेहतर भी हुआ है। कभी लास्ट में देखा रेट 26 साढ़े 26 का था, लेकिन टर्न पोजिशन 29 साढ़े 29 में भी मार्केट में ये ओपन एफिडेविट 10 मरले का जो है वो ट्रेड हो रहा है। तो व्यूअर्स ये था एक मुकम्मल व्लॉग DHA भावरपुर की करंट मार्केट के हवाले से। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा हाजिर हूँगा नए रेट्स के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको हमें नसीब रहे।